not my IFA awards. हमने कहा था ना कि चक दे फट्टे कर रहे हैं फट्टे चक्के उड़े ये हर साल नया नया कुछ करते हैं दिसंबर से क्यों बिना मेकअप कितनी बुरी लगती है मोती माती लगाए हैं ये सारा किसने किया ये यहाँ किसी का लाड़ा नहीं है अच्छा यहाँ सब बिना लाड़े के बैठे निको ऐड तो पहने दो दीदी तब ऐसा इवेंट क्यों नहीं हुआ कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े रहिए इनके साथ हेलो गाइस यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट दोस्त बोले तो शिवम बी सिंह जैसा कि आपको पता है यार मैं होस्टिंग करता था कॉमेडी करता था मैंने वो लाइन छोड़ दी है अब मैं बन गया बाउंसर इधर हम दे रहे हैं आप ड्यूटी इधर से काट रहे हैं पास पास काट के लोगों को अंदर भेजना है एंट्री करवानी है लोगों की बड़ा बिजी काम है तो आप लोग जाओ तुम्हारा पीछे तू कदों बन गया बाउंसर दो पीस दिखा पहले महाराज 10 मिनट खड़ोए थे लैन दो यार मैं बाउंसर अमी ने हायर किया था एज ए बाउंसर सर यार ये बड़ी कुत्ते वाली हालत करा दे तो सारी मैं नहीं बनता बाउंसर मैं इं अंदर जान दो यार मिगी तो गाइस ये साढ़े जम्मू के बाउंसर न जिते दिखे ये चार बंदे गै लभदे मैक्सीमम इयो चार बंदे होंदे कुसै होर गी फड़कन गै नहीं दिंदे एडे एडे डोले कट्टे ये इन्नी मतलब जिहड़ी जान बनाई दी है इसे असें केह खाना पौंदा असीं देसी बंदे ने यार खाना तो पौंदा ना देसी अपनी बॉडी यार असीं अपनी बॉडी नूं टाइम दिंदे यार चलने अंदर तैयारी चला दी चला आई अंदर थैंक यू ब्रदर थैंक यू तो आज ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर इनकी ये तैयारी चल रही है और ये शबीर जी हमारे सामने तो शबीर जी से बात करते हैं हेलो नमस्ते नमस्ते जी क्या हाल है ठीक हो बस बढ़िया कैसी चल रही है तैयारियां सर बिल्कुल जोरों शोरों पे है बस लास्ट फेज रह गया दिल की धड़कने तेज हो रही है दिल की धड़कने चलो तेज होनी भी चाहिए थोड़ा सा बट चलो ऑल तो जो होगा अच्छा ही होगा सो फुट का रैंप लग गया हाँ लग गया बाकी देख ले अंदर आके अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं तो कैसे हम अंदर आ गए हैं ये देखिए पूरा माहौल सेट हुआ है ये देखिए पूरा सेटअप ओहो आपने ये कौन सा अटायर लिया आपने ये एक नया रूप लिया मैंने नया रूप इसको कौन सा बोलते हैं ये हैंड पेंट वाला राउंड है हमारा हैंड पेंट मतलब जो भी चीजें ये हैंड पेंटेड है हाँ ये सारी लाइक डिजाइनर्स ने इसको खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है तो अच्छा। बस लाइक यार कितना अच्छा लग रहा है यार कैमरा में प्लीज हाँ। क्लोज अप मारो यार इसका ये देखो ओहो बच्चों का काम दिखना चाहिए मेरा गला बैठ गया तो चलिए ये देखिए सारे गर्ल्स हैं ओहो ये कौन है लड़की ओ हेलो आप इधर कैसे कौन हो आप मैं कौन हूँ हाँ? तुम भी ये लेंस लूंस डाल के इधर बैठी हो ना मुझे सारा पता है उठा मीनाक्षी पहले इतू उठ क्या बोले मीनाक्षी सॉरी मेरा मीनाक्षी नहीं है ओके मीनाक्षी नहीं है ओके क्या कर बेइज्जती कराने आ गए इधर कहाँ से आए हो आप तुम आओ आपका मुझे नाथ तो लगा लेना मुंह तो आऊं आपका मुंह क्यों तो आऊं मेरा फिर पता चल जाएगा मेरा फेस ओहो अच्छी लग रही हूं मैं हाय हाय प्यारी लग रही हूं ना ये बनी गया हो पहले ये बताओ लाड़ी बनी हूं किसकी तुम्हारी नहीं मेरी नहीं हां उठे इधर आपका लाड़ा कहां है आपका लाड़ा भी घूम आपका लाड़ा कहाँ है यहाँ किसी का लाड़ा नहीं है अच्छा यहाँ सब बिना लाड़े के बैठे बिना लाड़े के लाड़ियाँ बैठी है यहाँ सब बिना लाड़े के लाड़ियाँ बैठी है ये जो लड़कियाँ देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है कौन सा अटायर है ये ग्लैमरस अटायर है ग्लैमरस अटायर ये जो आपने इधर मोती माती लगाए हैं ये सारा किसने किया ये मेकअप आर्टिस्ट ने किया हेयर आर्टिस्ट ने हाँ जी यार बहुत बढ़िया किया है यार ये मतलब बाल इन्होंने पूरे चिपकाए दिए हैं सेट कर दिए हैं कितना टाइम लगा आपको रेडी होने में तीन से चार घंटे भाई ये देख रहे हो बच्चों की मेहनत हेलो धोनी क्या हाल है हेलो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो यार ये लड़की नहीं पहचानी जाती क्यों इतनी बुरी दिखती हूँ बिना मेकअप कोई भी अटायर ले लेना नहीं पहचानी जाती क्यों बिना मेकअप कितनी बुरी लगती हूँ नहीं नहीं यार इसका मेकअप के बिना भी इसको देख लेना ये ऐसी दिखती है ब्राइडल है तो उससे हम पूछते हैं कि मतलब इतने दिनों से बेचारी मेहनत कर रही है सारे से आगे है लड़की तो अब कैसा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है हमने इतने दिन से मेहनत की है तो अब फाइनली वो डे आ गया है कि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो एक्साइटमेंट तो है तो जो ये 100 फुट का रैंप बोल रहे थे तो रैंप पूरा 100 फुट का हाँ 100 फुट का ही है पर हमें इतना लग नहीं रहा क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है 2-3 दिन से Oh,
लड़कियां हमारे साथ, ये लड़कियां नहीं है, ये टीचर्स। इरफान सर बड़ी बारी थैंक यू बोल चुके हैं, अब करो बात। तो गाइस ये टीचर्स हैं, टीचर कुछ ना सही नू कुछ एक मिनट मैम सर, मैम कह ली सर काम होना है। बच्चे की सिखाया तू? बच्चे हैं मेकअप सिखाए, हेयर स्टाइल सिखाए, ये भी सिखाया कि कट टाइम होता है, मेकअप किंजा करना, हेयर डू किंजा करना। अच्छा आप क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम सिखाते हैं बच्चों को डिसिप्लिन में रहना। अच्छा। सबसे बड़ी बात है बच्चे इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं क्या? क्लास सर पे उठा लेते हैं। तो आप सर पे जो उन्होंने क्लास ड्राइवर नीचे उतारते हो? हाँ, नीचे उतारने में डांग डूंग रखी, डंडा डंडा रखा हुई? नहीं नहीं ऐसे बच्चे समझदार है, वो बात से मान जाते हैं। अच्छा अच्छा आपकी बेटी है? हाँ जी मेरी बेटी। ये मेरी पोती है, ये मेरी पोती है। हाँ जी ये मेरी बेटी अर्पिता शर्मा। अच्छा, तो आपकी एसटी में यहाँ पर लगी हुई है ना ये टीचर पढ़ाती हैं? हाँ जी टीचर है, हेयर स्टाइल की टीचर है। तो आपके बच्चे ने आज बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, तो बच्चों ने वैसा किया भी, अब आपको एज ए पेरेंट्स कैसा महसूस? प्राउड फील होता है मुझे इस बात का कि मेरे बच्चा है जिस तरह पहुँचा है। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ मीनाक्षी कहाँ जा रही हो? हेलो कुछ जानी है क्या करूं मैं इधर? अब कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ वार्ड्स वार्ड मिल गए मेरे को। तो अकेली कहाँ जा रही हो? अकेली क्या तुम्हारे साथ जाऊंगी अब मैं इतनी सुंदर बन के? तुमने देखा अपने आप को? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय क्या की लाइन पकड़ी आपने? मतलब इतनी सुंदर बन के शिवम, डू यू थिंक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? बैम नहीं पा यार, बैम आप मत डालो, प्लीज डोंट फॉलो मी। ओके डोंट फॉलो मी, अवार्ड्स लुक माय आईफा अवार्ड्स। सर आपने इतना अच्छा इवेंट देखा, इससे पहले जम्मू में ऐसा इवेंट देखा आपने? उससे पहले वो भी हमारा ही देखा है। आपका ही देखा? उससे पहले मैंने ZNS के सभी देखे हैं। दिस वन इज, ये हर साल नया नया कुछ करते हैं, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड सीरियसली। तो ये जो 100 फुट का रैंप था कैसा लगा? 100 फुट का रैंप मतलब कि जिसको 100 फुट चलना होता है ना, स्पेशली लड़की जिसने लंबी हील्स पहनी होती हैं उनसे पूछ सकते हैं अच्छा कि 100 फुट का रैंप कैसा होता है। हील मैंने देखा, आपने भी हील डाली हुई है। आई तो लव टू वेयर ही बिकॉज आई हैव अ वेरी लाइक स्मॉल हाइट, तो आई वुड लव टू वेयर ही, मुझे कोई शर्म नहीं आती है, एंड मुझे लगता नहीं कि हील्स पे लिखा है कि ये लड़कियों के लिए बनी है। ये बात तो हम सर जी से बात करेंगे। सर जी कैसा लगा आपके स्टूडेंट्स ने, आपके बच्चों ने इतना अच्छा काम किया? बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है बच्चों ने, बाकी सब आपने शो तो देखा ही है, ऑल ओवर बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। कैसा लगता है कि जो आपने बच्चों को सिखाया हो उससे भी ज्यादा अच्छा करें? तो प्राउड मोमेंट, यू कैन से प्राउड मोमेंट, यस। बहुत अच्छा। मैम आपको कैसा लग रहा है? तो उससे थकी है उन्हें, अब तो आज चैन की नींद आएगी, बट लेकिन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हमने कहा था ना कि चकदे फट्टे कर रहे हैं, फट्टे चक्के उड़े नुसरत जाने ने, फट्टे उड़ा चक्कर दिए फट्टे, हमने चौकी ले जाने ने ये उन्हें साढ़े कोल फट्टे चकाने हैं, कैमरा बंद करने बोला है, फट्टे चौकी इनके कने लेने बोले, गड्डी च लोड करना बोला। आप कहाँ जा रहे हैं सर? अब तो छोड़ो, अब कितना घूमोगे अब? नहीं आप वाइंड अप भी तो करें, अगले की भी तैयारी करनी है। नहीं अच्छा, फिर वो एक इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ, अगले की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बस 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 बड़ी क्योस होती है हर चीज की, बस ये है कि बड़ी मेहनत, ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब सबकी मेहनत इसमें, मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, और थैंक्स टू फिल्म सिटी जिन्होंने अच्छा सेट हमें क्रिएट करके दिया, और थैंक्स टू हर्ष कटारिया जी द मैन विद द गोल्डन हार्ट, और इरफान चौधरी जी आरपी फिल्म्स। सो ये एक बेसिकली होल अमलगेशन है बेसिकली टैलेंट की, जिसमें डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और आपके जो हैं डिज़ाइनर्स हैं। सो होपफुली आई थिंक आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो हमारे साथ सरगम मैम है, मैम से पूछता हूँ कि मैम आपको कैसा लगा कि जम्मू में ये सबसे बड़ा इवेंट था जो आज था? Yeah. कैसे लगा इस इवेंट को, मतलब आपने एज ए रिजल्ट भी अनाउंस किए, सब चीज़ें सारी परफॉर्मेंसेज भी देखी, तो कैसा था आपका, मतलब क्या लगा आपको? आई वाज जस्ट थिंकिंग जब मैं मॉडलिंग करती थी तब ऐसा इवेंट क्यों नहीं हुआ कभी, बिकॉज या एंड दैट एक्चुअली सेज अ लॉट दैट हाउ मच जम्मू हैज प्रोग्रेस्ड सिंस लास्ट 6-7 years, and I'm very very happy that such a platform is available for kids, for students, for designers, models and everybody. It really creates a very big platform for everybody to showcase their talent and grow. So आपने बहुत सारे इवेंट भी देखे होंगे, फैशन शो भी देखे होंगे, उनमें और इनमें कुछ डिफरेंस लगा या प्रॉपर वैसे ही थे जैसे आप वहाँ? नो इट वाज रियली नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी वाज सो प्रोफेशनल, वो पूरा मॉडल लुक वो रखा हुआ था सबने अपने फेस पे, इट रियली लुक्ड रियली नाइस, बिकॉज मुझे पता है कि जम्मू में अभी उतना यू नो एक्सपोजर नहीं है एज कम्पेयर टू वॉट हैपन्स ऑन लैक्मे फैशन वीक्स एंड स्टफ, बट आई कुड सी अ गुड कंपैरिजन। लगा आई वॉज रियली नर्वस, बट देन सब ने मुझे बोला था जस्ट
भूल जाओ सब कुछ एंड जस्ट ओन द रैंप. तो मैं चली गई एंड इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस. आपने फर्स्ट टाइम किया? यस इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड मुझे स्टेज फेयर है बट आज खत्म हो गया स्टेज फेयर. हाँ आज खत्म हो गया. एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था. ऑब्वियसली मॉडल्स को टाइम नहीं मिलता अपना मतलब आउटफिट शोकेस करने का या अपना जो भी पोजेस वगैरह देने का. तो रैम बड़ा था, शोकेस भी कर पाया अच्छे से और थोड़ा पब्लिक इंटरेक्शन भी हो जाता है. It was a like nice experience walking this long. रोहित जी ने बहुत अच्छा संतूर बताया, मैं उसकी बात करने आ रहा था. इन्हें तो बेचे गला लाइट गया. तो मतलब ये जो आपने संतूर बजाना सीखा है रोहित जी, आपने किससे सीखा है? फादर से. अपने फादर से? अब जम्मू में वन एंड ओनली हो, ये घर महसूस होता है ना? वन एंड ओनली नहीं है, मेरी बेटी भी सीख रही है, पापा बजाते ही हैं. अच्छा अब ढाई हो गए. मतलब अपनी फैमिली है, कुत्ते जाना अपने घर वाले हैं, बाहर कोई बाहर के लोगों कुछ तो सीख नहीं देता. तो इधर तुम्हें क्या महसूस होता? नहीं क्यों नहीं सीख रही? नहीं अभी सीख रहा है, मेरा एक स्टूडेंट है बजा भी रहा है मार्केट में. मैंने भी सीखना, मुझे सिखाओगे? 10,000 रुपया फीस एक दिन की. चलो आगे कमा रहे हो बड़ा, जल रहे हमारी कमाई से. वो देखिए यहाँ दो लड़के आए हैं, ये देखिए इधर देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को. एनक तो पहने दो. एनक नहीं, एनक तो आरो. आप छतरी लेके क्या ढूंढ रहे हो? छतरी लेके हम एक्चुअली मैं और चुई ना वो ये तो फिल्म सिटी का ये हम चेक कर रहे थे सेट सूट कैसा है ना. सेट है कि नहीं है? सेट सूट का सेट है. आप सेट है? हम तो आप सेट है सर. क्या टाइम हो गया? ओहो कड़ी भी खराब होगी. नहीं नहीं सर 9:30 हो रहे हैं. देखो दो ही अड्डे हमारे, एक जेके एक ठेके. एक जेके एक ठेके. अभी इसका मतलब सेट होने वाले हैं. ऐसे देखने में लगता है ये भाई क्या कर सकते हैं. इसका पूरा सेट डिजाइन भाई ने आपने करवाया? सेट डिजाइन इसका शो डायरेक्टर मैं था. सेट डिजाइनिंग इसका, लाइटिंग डिजाइन जो अपना सेट वो देख रहे हो, रैंप देख रहे हो, कोरियोग्राफी, मॉडल्स को सिखाना, सिलेक्ट करना, सब कुछ मेरे कर लेते हो. वन मैन आर्मी. ऐसा नहीं लगता आप बहुत सारे लोगों की रोजी पे लात मार रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा बट मेरे को ऐसा लगता नहीं. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं काम में, अच्छा उसके बीच में होस्टिंग भी मैं खुद ही कर रहा था. तो काम में जब क्वालिटी की बात आती तो मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता. अच्छा. अपने अलावा तो हम पे कैसे ट्रस्ट कर लिया? नहीं आप तो भाई है. तो भाई को मैं चाहूँगा कि जहाँ पे अच्छी ऑडियंस हो, अच्छा इवेंट हो, मेरा भाई परफॉर्म करे. और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने आज सब्सक्राइब किया होगा चैनल डेफिनेटली. और जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिलेगा मैं अपने भाई और अपनी बहन को प्रमोट करूँगा. यहाँ पे भी करूँगा. जितने जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, जानू और लाडू की जोड़ी को आप देखना चाहते हैं बार बार, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े रहिए इनके साथ. और इरफान भाई इवेंट बहुत बढ़िया हो गया, सक्सेसफुल हो गया. देखो मैं तो स्टेज पे था, मेरे को नहीं पता. अब ऑनेस्टली आप सच बोलोगे? हमने देखा है कि जो इवेंट था बहुत बढ़िया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुली हुआ है. कैसा लग रहा है? मतलब जो आपने सरगम मैम का रिस्पांस सुना, गौतम जी का रिस्पांस सुना, रिस्पांस से पता ही चल जाता है इवेंट कैसा हुआ. देखो मैं स्टेज पे भी कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास शबीर और नुसरत का सपोर्ट नहीं होगा. क्योंकि भाई एट द एंड आपका जो ऑर्गेनाइजर का पैसा लग रहा है, बट वो जितने सपोर्टिव हैं क्योंकि उनको मेरे पे भरोसा है. इट हैज़ बीन मोर देन 7 ईयर्स नाउ मैं उनके हर साल इवेंट करता हूँ और सिर्फ उन्हीं का इवेंट करता हूँ और एक साल लगाता हूँ मैं उनके इवेंट को डिज़ाइन करने में. तो उनका भरोसा मेरे पे है तो वो मैं कर पाता हूँ. तो डेफिनेटली कोई और भरोसा करता नहीं, इसलिए मैं इवेंट करता ही नहीं किसी का.